वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे, शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि आपका और हमारा साथ होने वाला है 2 घंटे 9 से 11 बजे तक। और ढेर सारी बातें करनी है, ढेर सारी डिस्कशन करनी है, आपको खबरें भी बतानी है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड मसाइल भी बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपके साथ हमने कुछ रिसर्च भी शेयर करनी है। और वो रिसर्च क्या है? वो रिसर्च कुछ यूँ है कि बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं मीठा खाने के, और डायबिटीज़ का खतरा नो डाउट अब बहुत तेज़ी से फैलती हुई एक बीमारी है डायबिटीज़, जिसको कंट्रोल किए जाने के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी लोगों को दिए जा रही है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब, अगर आप लोगों को डायबिटीज़ को अवॉइड करना है, उसके साथ साथ अगर आप अपनी जो एक लेट एज में जाकर दीगर जो बीमारियाँ हैं इनको अवॉइड करना चाहते हैं, तो मीठा खाने के जो शौकीन अफराद हैं वो दिमागी अमराज का खतरा जो है उनमें बढ़ जाता है। ज़्यादा मिकदार में चीनी का इस्तेमाल किया जाए तो दिमागी तनजली का सबब भी बनता है, और इसकी वजह से जो मर्ज डायमेंशिया है, डिमेंशिया की बात की जाए, डिमेंशिया 33% जो है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इससे पहले साइंसदान काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि दिमागी सेहत और गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के दरमियान ताल्लुक का शुबा जाहिर करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जूसेस का इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट फूड में जो मौजूद शुगर एलिमेंट्स होते हैं वो दिमाग के लिए नहायत तबाहकुन साबित होते हैं। महज 30 ग्राम इजाफी चीनी का इस्तेमाल डिमेंशिया का खतरा 33% बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और एक सॉफ्ट ड्रिंक की बात कीजिए तो उसमें 35 ग्राम या 7 चाय के चम्मच चीनी मौजूद होती है, यानी अगर आप रोज़ाना एक कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके दिमाग की जो सलाहियतें हैं या उसकी जो कारकर्दगी है उसको तनजली की तरफ लेके जाता है। ज़्यादा मीठी के इस्तेमाल से शुगर लेवल तो आपका बढ़ जाता है और साथ साथ आपको डायबिटीज़ का ख़तरा भी बढ़ता है। लेकिन इसकी अभी इस पर रिसर्च जारी है और ये कहा जा रहा है कि जो डिमेंशिया का ख़तरा बढ़ता है मीठा इस्तेमाल करने से, उस पर अभी भी रिसर्च करना बाकी है। और इसके हवाले से रिसर्च होगी तो वक्तन फवक्तन हम भी आपको बताते रहेंगे जब हमें कोई रिसर्च मिलेगी। तो लिहाजा जो मीठा खाने के शौकीन अफराद हैं जिन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और जिनकी कोशिश होती है कि हर खाने के साथ या हर वक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाए, उनके उनको इस रिसर्च पर गौर करना चाहिए क्योंकि मीठा जो है एक इतदाल के साथ, वैसे भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर आप हमेशा से ये एक कहा भी जाता है और आपको भी हमारे इतदाल का जो एक सबक है वो हमेशा दिया जाता है कि हर चीज़ में इतदाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आप खाने पीने की बात करें, कुछ नमकीन चीज़ों की बात करें, इवन मीठी चीज़ों की। और डायबिटी क्रेविंग आपको होती है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि वो मीठा ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, लेकिन कोशिश ये करें कि एक इतदाल में रहकर मीठा खाएं ताकि आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और जो डिमेंशिया है इसका खतरा भी आप, इसका रिस्क भी है वो आप कम कर सकें। तो जनाब ये तो थी मीठा खाने के शौकीन अफराद के लिए कुछ बुरी खबर, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि नाश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिसर्च में बताते हुए खुद बहुत शर्मिंदा होती हूँ क्योंकि मैं खुद नाश्ता बहुत कम करती हूँ, लेकिन आज मैंने एप्पल खाया था एंड एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिन में नाश्ते वेजिटेबल तो नहीं फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें तो आपके विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी है पूरी हो जाती है और आपको एक बड़ा अच्छा सा स्टार्ट मिलता है। तो जनाब आपको कुछ सेहतमंद ग़ज़ाएँ हम बताने वाले हैं कि अगर आप नाश्ते में इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नाश्ते में फल का जो मैंने इस्तेमाल बताया वो आपको ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल भी फराहम करते हैं और जो आपके जिस्म में एक कह लें एनर्जी पैदा करता है। इसके अलावा फल जब आप खाते हैं तो उससे आपका पेट भर जाता है, मतलब आप अच्छा और फुल फील करते हैं और उसके साथ साथ आप ताज़ा दम भी हो जाते हैं। दिन की शुरुआत अगर अच्छी करनी है तो जनाब सब्जियों का चुनाव भी ज़रूर करें क्योंकि सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी आपके जिस्म को पूरा दिन जो है वो लाइट वेट यानी हल्का हल्का फील कराते हैं। अगर वही आप ऑब्जर्वेशन भी करेंगे कि अगर आप नाश्ते में कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल कोई सैलड ऐसी चीज़ खाते हैं तो आपको पूरा दिन जो आप थोड़ा फ्रेश भी रहते हैं। ऊटमील नाश्ते में इस्तेमाल करने के लिए एक सेहतमंद ग़ज़ा है जो फाइबर से मालामाल होता है, इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं और जिस्म के लिए मौजूद जो मिनरल्स दरकार होते हैं वो भी पूरे होते हैं। इसके अलावा दही का इस्तेमाल वो बहुत ज़रूरी है। दही अक्सर लोगों को नहीं पसंद होता, लेकिन अगर आपको पसंद है या नहीं है, दिन की शुरुआत के लिए दही से अच्छी ग़ज़ा नहीं हो सकती, ये माहिरीन भी कहते हैं और वैसे ये जेन्युइन फैक्ट भी है। अच्छा जायका फराहम करने के अलावा यह आपको ज़रूरी न्यूट्रिशन और प्रोटीन भी फराहम करते हैं और इसके साथ साथ आप किसी भी चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में आप पराठा खा सकते हैं या वैसे दही खा सकते हैं,
कुछ आप सीरियल उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और दिन में एक कप कॉफ़ी पीने से आप सेहतमंद भी रहते हैं। मॉर्निंग टी या कॉफ़ी की बात कीजिए तो वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि खाली पेट जो है वो चाय ना पिए। और मैं खाली पेट चाय नहीं पी रही, मैंने आज एप्पल खाया, मैंने पहले बता दिया। तो चाय ना खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी भी कोशिश ये करनी है कि आप खाली पेट इसका इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा जनाब कॉफ़ी एनर्जी को बढ़ा देता है, और नाश्ते में जो आपके मेवाजात होते हैं यानी ड्राई फ्रूट्स या आप कह रहे हैं नट्स, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और ये न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं कि अगर आप नट्स भी खाते हैं दिन में थोड़े से, अगर आप नाश्ते में खा लेते हैं तो उसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं। फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, और ज़रूरी फैट्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो लिहाजा आप दही और ड्राई फ्रूट्स का एक अच्छा सा नाश्ता बना के वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जनाब चंद गज़ाएँ थी जो हमने आपको बता दी कि आप नाश्ता इनसे करेंगे तो पूरा दिन आपका अच्छा मिलेगा, आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा। अगर आप नाश्ता अच्छा करेंगे, फुल एनर्जी के साथ अपने काम की शुरुआत करेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरने वाला है। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं, जो प्रेग्नेंट खवातीन में डिप्रेशन का एक प्रॉब्लम आ जाता है, और इसकी एक बड़ी रीज़न बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, तमाम चीज़ें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगे, उज़मा सदाकत, इनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो उज़मा, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। उज़मा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रेगनेंट खवातीन की, तो ऑब्वियसली एक चेंज आ रहा होता है लाइफ में, बॉडी में, हर जगह। तो आप, हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये डिप्रेस्ड है या इनके मूड स्विंग्स है, लेकिन ऑब्वियसली रीजन तो है, क्यों होते हैं? अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पे जहाँ पे जिस्मानी तब्दीलियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं, वहाँ पे हार्मोन्स में भी काफ़ी इम्बैलेंस होता है। और जब हम बात करते हैं खास तौर पे एक ऐसे डिप्रेशन की जो कि प्रेगनेंसी के दौरान है, सो उसकी बुनियादी वजह इट सेल्फ प्रेगनेंसी भी है कि जो केमिकल इम्बैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बाज़ूकात हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद एक केमिकल सेरोटोनिन की कमी भी लेकर आता है, और सेरोटोनिन की कमी से हमारे अंदर डिप्रेशन की कैफियत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आमतौर पर रिसर्च ये बताती है कि तकरीबन 14-23% खवातीन जो हैं वो ज़रूर प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन से गुजरती हैं। और मैं जब डिप्रेशन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन है, इसका मतलब डिप्रेशन जैसी सिम्टम्स नहीं है, बल्कि बाकायदा डिप्रेशन जहाँ पे आपको अद्वियात की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। अच्छा, हम ना साइकोथेरेपी अद्वियात पे, तो क्योंकि हमारा लोगों को पता ही नहीं होता, प्रेगनेंट खवातीन को हम कहते हैं कि अच्छा नहीं है, शायद वैसे ही प्रेशर है, या इस तरह से हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि ये वाकई एक सीरियस प्रॉब्लम है डिप्रेशन जो एक प्रेग्नेंट खातून को हो रहा है, उसके उससे उसके आने वाला बच्चा भी इफेक्ट हो सकता है। अवेयरनेस की हवाले से भी बात कीजिए। ऐसा है क्योंकि जो सिम्टम्स होती हैं उसमें ज़्यादातर लथार्जी खवातीन फील कर रही होती हैं, मूड में चेंजेस आ रहे होते हैं, बेजा गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद की कमी का बाजू का खवातीन शिकार होती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, खाना बहुत खाने को दिल चाहता है, या भूख बिल्कुल उठ जाती है। अब ये तमाम सिम्टम्स जो हैं ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर भी खवातीन उसमें से गुजरती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर बिला वजह की मायूसी उन्हें उन पे छाई रहने लगे, उनका मरने को दिल चाहे, या मौत के बारे में उनके कुछ ख्यालात आने लगे, या बेबसी सी महसूस हो और नाकामी सी महसूस हो, तो इसका मतलब है कि अगर ये सिम्टम्स कोई 2 हफ्ते तक जारी रहती हैं तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जो तब्दीलियां हैं इमोशनल, ये वो नहीं है, बल्कि अब आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको जरूर किसी ना किसी हेल्प की फिर जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, उज़्मा, हमें इर्द गिर्द के लोगों की भी बहुत जरूरत होती है, आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके पार्टनर की सपोर्ट। प्रेगनेंट खवातीन को नॉर्मली ये सारी चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती कि फैमिली भी इतनी अंडरस्टैंडिंग समटाइम्स नहीं होती, या पार्टनर भी अंडरस्टैंडिंग, सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन उसको इस फेस से भी निकलने में मदद दे सकती है। ऐसा बिल्कुल है, जैसे अगर पार्टनर के साथ वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की तरफ जाती हैं, या आमतौर पर जो घर के अंदर रहने वाले अफराद हैं अगर प्रेगनेंसी के हवाले से वो एक्साइटेड हैं या अच्छा फील कर रहे हैं और ऐसी बातचीत करते हैं जिससे कुछ उम्मीद बनती है, सो प्रेग्नेंट खवातीन के लिए फिर इस फेज में से निकलने में उन्हें कुछ आसानी मिल जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है, हमारा जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है उसका काफ़ी अहम रोल है इस डिप्रेशन को एलिवेट करने में या डिप्रेशन को ना आने देने में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर तब्दीलियां जो हैं डेफिनेटली पॉजिटिव आती हैं।
अच्छा उसमें समटाइम्स हम वही बात करें कि सोशल प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ फैमिलीज में बहुत प्रेशराइज भी किया जाता है, अच्छा कुछ बातें सुनने को मिली होती है तो वो भी डिप्रेशन की तरफ लीड करती है कि अच्छा बेटा होगा बेटी होगी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी और इस तरह की बातें। बिल्कुल ऐसा है कि एक तो प्रेगनेंसी ही काफ़ी भारी मरहला होता है किसी खातून के लिए जिसमें डिप्रेशन का आना पॉसिबल हो सकता है, बट इसके अलावा जो इर्द गिर्द का माहौल है, अगर अनप्लैंड प्रेगनेंसी है कि आप प्लान नहीं करते या आपके पहले से बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और आप एक और बच्चा नहीं चाहते, सो इर्द गिर्द में डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आएगी जो कि थोड़ी मायूसी खातून के अंदर डेवलप करने की तरफ जाती है। फिर खातून अगर खुद भी वो बच्चा नहीं चाह रही और वो एक ऐसी प्रेगनेंसी को कैरी कर रही है जो कि अनवांटेड है, तो डेफिनेटली ये थोड़ी झुंझलाहट ज़्यादा पैदा करेगी, थोड़ी मायूसी ज़्यादा उसके अंदर पैदा करेगी। इसके साथ साथ जो साथ मौजूद लाइफ पार्टनर है अगर वो उस बच्चे को पसंद नहीं करता या उसको बच्चा नहीं चाहिए या उसके साथ ताल्लुकात खराब रहते हैं उस खातून के जो हामला भी है, तो ये चीज भी लीड करती है टुवर्ड्स डिप्रेशन। इसके अलावा जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे फर्ज करें अगर किसी खातून को बच्चा नहीं हो रहा और वो बहुत सारे डॉक्टर से अद्वियात लेने की तरफ जाती है और फिर वो प्रेगनेंसी कैरी करती है, सो ऐसे में उसको ये खौफ रहता है कि कहीं ये प्रेगनेंसी जो है ज़ाया ना हो जाए, सो इसकी वजह से भी वो बाजू का डिप्रेशन के अंदर जाती है। या अगर कोई खातून ऐसी है जिनका पहला मिसकैरेज हुआ है और वो सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी कर रही हैं या फिर एक आध मिसकैरेज प्रीवियस पीछे है मौजूद, सो ऐसे में भी चांसेस हैं कि ऐसी खातून आगे चल के डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला हो सकती हैं। अच्छा उसमें उसके साथ साथ हम ये भी बात करें तो इन सब चीज़ों को क्योर या इस चीज़ों को डिप्रेशन को जिसका रिस्क है इसको कम करने के लिए क्या फैक्टर्स हमें अपनाने चाहिए, जो इर्द गिर्द के लोग इवन खुद जो खातून है उसको क्या। अच्छा एक तो ये जहन में रखना चाहिए कि ये जो डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कोई पहले दूसरे तीसरे हफ्ते शुरू नहीं हो जाते बल्कि ये 18वें हफ्ते से स्टार्ट होना शुरू होते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो खवातीन है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जाके तकरीबन 32 वीक्स के अराउंड जाकर इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की तरफ जाती हैं, और अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान सिम्टम्स हैं और सवियर नोयत की हैं तो बाज़ अवक़ात आपको मेडिकेशन भी साथ में लेना पड़ती है, लेकिन मेडिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर डॉक्टर्स एडवाइज़ नहीं करते अंटिल अनलेस के कोई बहुत ही ज़रूरत है और वो भी बहुत माइल्ड फॉर्म में आपको मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि खातून जो भी मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान लेती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके बच्चे पे भी प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा होता है, और आमतौर पर देखा गया है कि जिन खवातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी मेडिकेशन स्टार्ट करवाई जाती हैं जो कि डिप्रेशन को एलिवेट करने वाली हों, सो बाद में उनके बच्चों के अंदर थोड़ी लेस एक्टिविटी नज़र आती है, बच्चे थोड़े जैसे अगर थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद वो मेडिकेशन ले रही है तो फोरी डिलीवरी के बाद बच्चों के अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी नज़र आते हैं कि उन अद्वियात की वजह से डिवेलप हुए। रिसर्च ये बताती है कि कोई डिफॉर्मेटी डिवेलप नहीं होती बट बच्चे लेस एक्टिव होते हैं, वो एंक्शियस बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर एंग्जाइटी उनके अंदर डेवलप होने के चांसेस हैं और आगे चल के लाइफ के अंदर उनके अंदर भी साइकेट्रिक इलनेसेस के डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा सबसे अहम केमिकल जो कि डिप्रेशन को एलिवेट करने वाला है वो सेरोटोनिन है, सो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हम कर सकते हैं नेचुरली जिससे सेरोटोनिन हमारा जो है वो इन्हेंस हो, जैसे सनलाइट के अंदर अगर हम हर रोज तकरीबन 10 मिनट स्पेंड करते हैं सो इससे हमारे अंदर नेचुरली सेरोटोनिन को थोड़ा सा इन्हेंस होने में मदद मिलती है। इसके अलावा एक्सरसाइज या वॉक जरूर प्रेगनेंसी के दौरान भी खवातीन को कैरी करनी चाहिए। नॉर्मली देखने में आता है कि जब भी कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो वो चलना फिरना छोड़ देती है, और खासतौर पर अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो चलना फिरना छोड़ देगी और ऑल द टाइम वो बेड पर रहेगी सिर्फ इस वजह से कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। सो चलते फिरते जरूर रहें, घर में कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम भी करने की तरफ जाएं, और वॉक जरूर अपने साथ शामिल रखें क्योंकि वॉक भी आपके अंदर सेरोटोनिन को इंक्रीज करती है और कॉर्टिसोल केमिकल जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाले केमिकल हैं उन्हें वो डिक्रीज करने की तरफ जाती है। थैंक यू वेरी मच उज्मा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी टिप्स दे दी। जनाब डिप्रेशन जो है एक नो डाउट एक बीमारी है और इस पर फोकस करने की जरूरत है। हमारे यहाँ नॉर्मली इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट खवातीन है ऑब्वियसली उनके अंदर बॉडी चेंजेस भी आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को फोकस रखेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखें और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी उस खातून का ख्याल रखें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।